वेलकम टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम अजवाइन प्लांट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि ये छोटा सा ही वीडियो है, स्किप करके ना देखे, फुली वॉच आप कर लीजिए। तो दोस्तों अजवाइन प्लांट एक हर्ब है, ये एनुअल हर्ब है और इसकी लीव्स में से अजवाइन की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है, इसलिए इसको अजवाइन का पौधा बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जो लीव्स है मोटी होती है, देखने में काफ़ी सुंदर है। नर्सरीज़ में आमतौर पर आपको ये हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर लगती है, ये पौधा पूरा भर जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरी मदर ने प्लांट नवंबर में ग्रो किया था और 5 महीने में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है, पूरा ये जो कंटेनर है ये भर गया है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और दोस्तों इंडिया में, राजस्थान में इसकी खेती की जाती है और इस का जो यूज़ है वो मेडिसिनल यूज़ भी काफ़ी है, और इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है अजवाइन का फ्रेग्रेंस देने के लिए। मेरे बालकनी गार्डन में ये प्लांट नहीं है, तो मैं इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस प्लांट को ग्रो करने का जो फेवरेबल टाइम होता है वो सर्दियों की शुरुआत से पहले और रेनी सीज़न में होता है, पर मेरे बालकनी गार्डन में नहीं है तो मैं इसको यहाँ से कटिंग से ग्रो करके ले जाऊँगी। इसके सॉइल मिक्सचर की अगर बात करें तो इसमें मैंने खेतों से मिट्टी मंगवाई है जिसमें कि फंजीसाइड और पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी मिला हुआ है, रेत का अमाउंट भी इसमें है, और इसके अलावा इसमें फुली डिकम्पोज जो गोबर खाद है वो इसमें ऐड की गई है। थर्माकोल के प्रोपेगेट दूंगी, 3-4 कटिंग इसमें लगा रही हूँ। पानी देने के बाद इसमें आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, तेज़ सनलाइट से इनकी कटिंग्स को ग्रो करने से बचाइए, क्योंकि उससे कटिंग ख़राब हो सकती है, और हो सके तो आप इनकी कटिंग्स को रात में ओस में रख दें तो इससे इसकी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी कटिंग्स ग्रो कर जाएंगी, लेकिन 15 दिन के बाद का अपडेशन मैं आपको ज़रूर दूँगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी इसी तरह की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।